यही रुको, मैं अंदर से बेटी को लेकर आती हूँ। अरे भाभी रुक जाएं, ये भाई के साथ आप ठीक नहीं कर रही, आप घर वापस जाएं। तुम तो रहने ही दो भाई। क्यों रहने दूं मैं, हमने ईशान को अगवा किया था तो आप जल गई थी। हाँ मैं जल गई, इसीलिए तो तुम्हारे भाई से अलग हुई मैं। क्या है उस औरत में जो जली उससे मैं? बड़ी आई मेंढक जैसे मुंह वाली। शुक्रिया शुक्रिया। ओह वैसे एक बात है, बहुत अच्छी नकल उतार लेती हैं आप दूसरों की, कमाल की नकल उतारी है। मुझे माफ कर देना मेरे जुड़वा। क्या हुआ भाई? तुम्हारे साथ गुजरे हुए 20 सालों पर बहुत खुश हूँ मैं, हमें थोड़ा कम वक्त मिला है लेकिन मैं खुश हूँ। भाभी हलवा आप बनाइएगा लेकिन नजर को मत दीजिएगा वरना मुझे कब्र में सुकून नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं मरने लगा हूँ भाभी, वो देखें जला दिया है। हमारी इज्जत पर नजर रखोगे तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए जमीन साहब, छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं? कुछ जाने मेरे भाई पे हाथ ना उठाए। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह क्या हो रहा है? क्या हुआ जमील भाई? अपने भाइयों से कहो कि मेरी बेटियों से दूर रहा करें वरना मैं लाशों के ढेर लगा दूंगा। आप अपनी बेटियों से कहिए कि हमारे लड़कों के पीछे ना घूमा करें। मेरी बेटियां किसी के पीछे नहीं घूमती, ये हमारा इंसान खिड़की के रास्ते आया था। ओ आराम से जमील भाई, किसको कमी ना कह रहे हैं आप, मैं वहाँ इज्जत के साथ गया था और जो कहना था वो कहकर आ गया। जमील भाई पिस्टल नीचे करें। समझ नहीं आई आपको? क्यों गए थे तुम उस लड़की के कमरे में? क्या तुम खिड़की से गए थे? आखिर करना क्या चाहते थे? मेरा देवर करेगा क्या तुम्हारी बेटी का? असल में तो इसकी बेटी ने आज भाभी भाभी चुप करें। क्या भाभी भाभी, मैं नहीं चुप होंगी। ये यहाँ असला दिखा रहा है और इसकी बेटी ने ताहिर को मारने की कोशिश की। खैरियत तो है ना, इतनी जुर्रत कहाँ से आई? किसने ताहिर को मारने की कोशिश की है? ओए मेरी बेटियाँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने कर दिया है, जाओ जाके नजर से पूछो। उसने आज ताहिर पे गोली चलाई। चुप, एक बेटी को कब्र में और दूसरी को जेल में भेजना चाहते हो ना? आराम से जमील भाई आराम से। कोई आराम नहीं, आज से हम दोनों सिर्फ दुश्मन हैं। याद रखना मुस्तफा खलीली। तुम आओ जरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह चले जाते, इतनी जल्दी किस बात की थी? उसने भाई और नफीस पर गोली चलाई थी, क्या करता, दिन का इंतजार करता क्या? चुप करो। अब चुप कर जाओ तुम दोनों, इस्तांबुल वाली के चक्कर में मेरा बेटा मर जाएगा। मुस्तफा बेटा तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ तो हल निकालो इस मुश्किल का। फिक्र नहीं करें, आपका बेटा अब कदम उठाकर भाग रहा है, माँ और बेटा दोनों ही पागल हो चुके हैं। आसिया मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरा दिमाग और खराब मत करो, एक को रोकता हूँ दूसरा शुरू हो जाता है। विदात की जगह अब नजर गोली मार रही है, तुम्हें दिख रहा नहीं है क्या? हाँ मालूम है मुझे, अब मैं तुम माँ बेटे को खामोश करूंगी, क्या तैयार हो? क्या क्या आपको मालूम भी है कि नफीस ने क्या किया है, क्यों उसके पीछे पड़े हैं? क्या किया? ताहिर की जान बचाने के लिए खुद गोली के सामने आ गई। क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं? आप लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अभी अभी जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। अम्मी वो जो नफीस है ना, वो ताहिर भाई से कुछ ज्यादा ही पागल निकली। शुक्र है भाई को बचाने के लिए तो गोली के सामने आ गई थी, आपके साथ ना जाने क्या करेगी। सोचें आसिया बच्ची को ना जगाना।
हमारे कमरे में। हमारा कमरा? हाँ हमारा कमरा वहां है। हमारा कोई कमरा नहीं है आसिया, नहीं करो। मुस्तफा नीचे जाके सो जाओ, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। अगर वो अभी जाग गई तो उसे साथ ले जाऊंगी। ठीक है तुम बेटी के साथ सो जाओ, लेकिन हमारे घर में ही रहो, बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना कभी। हाँ किसी दूसरे के बच्चे को घुमा सकते हो, अपनी बेटी को नहीं। ठीक है मेरी बीवी, तुम सही हो, मैंने किया है, लेकिन तुम ऐसा ना करो। तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना? नहीं कभी नहीं। क्या मुझसे प्यार नहीं? मुझे प्यार था, जिसने अपनी बेटी की खातिर एक बिल्ली के बच्चे को कोर्ट में सुलाया था। उस आदमी से नहीं जिसने गद्दारी की।